हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पाठ दो अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ कल मैंने पढ़ाया था कुछ पार्ट्स, आज उससे आगे पढ़ाऊँगा। और ये सामाजिक विज्ञान के एक अर्थशास्त्र किताब है, उसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ पाठ दो, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। वीडियो बनाकर भेजता हूँ, फिर भी बच्चों को पता नहीं चलता है कौन से पाठ पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान रखें, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थशास्त्र और ये सामाजिक विज्ञान है, पाठ दो। तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रकों में इतिहास, ऐतिहासिक परिवर्तन, किस तरह से क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। तो आपको बता दें कि सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कहलाता है। कहने का मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्रक ही सभी क्षेत्रकों का आधार है। प्राथमिक क्षेत्रक से ही जीवन का जो जीवन का चलना जो होता है, सुचारू रूप से आगे बढ़ना होता है, वो प्राथमिक क्षेत्रकों के अंतर्गत ही होता है। क्योंकि जब तक खेती नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। और कहते हैं नो लाइफ विदाउट एग्रीकल्चर। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़ गए। अब है कि अब 100 वर्ष में क्या हुआ। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक में से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? इसको हम आगे बता रहे हैं आपको। ये देखिए, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, तीन कलर का दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना? तो ये कलर भी आप देखिए, ये प्राथमिक क्षेत्रक का है, नीला कलर सा है, और ये रेड कलर द्वितीयक क्षेत्रक है और ये तृतीयक क्षेत्रक है। तो कितना उत्पादन हुआ है, कितना जीडीपी बढ़ा है, वो देखिए आप। ये ग्राफ दिखाया गया है कि किस तरह से प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो 10,000 इकाई दाए सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के अंडर में है। फिर द्वितीयक क्षेत्रक में बड़ा है, पर जब सबसे ज्यादा जो योगदान हुआ है वो तृतीयक क्षेत्रक में हुआ है। आप देख सकते हैं तृतीयक क्षेत्रक में योगदान हुआ है। तो इन इनसे पता चलता है कि तृतीयक क्षेत्रक में ज्यादा भागीदारी था, लेकिन धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्रक भी आगे आती गई है। अब उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व, अब किस तरह से महत्व तो बढ़ा है, स्वाभाविक है तृतीयक क्षेत्रक में महत्व तो बढ़ेगा ही। क्योंकि 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्रक के उत्पादन में हुई थी। परिणाम स्वरूप 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। अब हम ले चलेंगे प्रथम
कि किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं मानी जाती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं मानी जाती है। किसी विशाल देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। द्वितीय, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। अब तृतीयक क्या है? तृतीयक है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। और आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। और ये सारे जितने भी ये सारे चीज़ें हैं, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। इन्हें सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना चाहिए या याद रखना होगा कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक जनसंख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं। और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। अब एक उदाहरण लीजिए कि किस प्रचंड बेरोजगारी और बेरोजगारी क्या है। खुली बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी बता दूं आपको। यह है, इसका क्या मतलब है? पहले बेरोजगारी का मतलब बताऊं आपको। बेरोजगारी ऐसी दशा जब लोगों को उनकी योग्यता और इच्छा के अनुरूप करने के लिए काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। लोग घरों में बैठे रहते हैं, निठल्ले नहीं, लोग परिपूर्ण होते हुए भी उनको रोजगार नहीं मिलता है, काम धंधे पर नहीं लगे होते हैं, उन्हें बेरोजगार कहते हैं। और काम का ना मिलना ही बेरोजगारी होती है। अब एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। और ये सारे लोग जो हैं छोटी सी भूमि पर खेती करते हैं, तो ये प्रचंड बेरोजगारी होती है। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ है कि ऐसा कार्य जो 2 व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन उसी काम को 4 व्यक्ति कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। ऐसी स्थिति जिसमें एक काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, यदि उनमें से कुछ लोगों को हटाकर दूसरे कामों में लगा दिया जाता है तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे इसको कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। अब आपको अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होता है, फिर कल पढ़ाएंगे सार्वजनिक क्षेत्र, और यहां से पढ़ाएंगे अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड होने में दिक्कत होगा, इसलिए आज यहीं तक।
और जो भी चैप्टर जैसे कंप्लीट नहीं होता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग कह रहे थे, तो कौन से पार्ट में है, सामाजिक विज्ञान के कौन से पार्ट में है, इतिहास में है कि भूगोल में है कि अर्थशास्त्र में है या राजनीति शास्त्र में है, इनमें देख लीजिएगा कौन से चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, उसे मैं दोबारा करा दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।